हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं असपुर, जो कि सोम कमलावा डैम पे जा रहे हैं, और वो असपुर में आता है। और हम जा रहे हैं साबला वाले रोड से, तो ये साबला से पहले जो टोल नाका आता है वहाँ तक तो आ चुके हैं हम। और साबला जाके फिर असपुर जाके सोम कमलावा डैम जाएंगे। और हम जाते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो ब्लॉग में कंटिन्यू भी रहिए। तो हेलो गाइस, अभी हम आ चुके हैं असपुर और यहाँ से जाएंगे सोम कमलावा डैम। तो अभी हमें थोड़ी भूख भी लगी थी, तो सोचा नाश्ता कर लेते और यहाँ पर रुके फास्ट फूड बनते। तो ये रहा गोविंद और अभी ये राइस मंगवा लिया, मंचूरियन राइस। यहाँ से खाना खा के फिर निकलेंगे सोम कमलावा डैम। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दो तीन दिन से हम घूम ही रहे, ब्लॉग कर ही रहे हैं रेगुलर। तो आप सब भी ब्लॉग में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ब्लॉग कोई भी ब्लॉग अधूरा मत छोड़िए, पूरा देखिए, पूरा देखना ज़रूर। और ठीक है, तो भाई लोग अभी हमें एक यूट्यूबर मिले थे बॉम्बे के, तो मैंने पहचान लिया कि भाई यूट्यूबर है, तो खड़े रख के मतलब बात की। और वो बॉम्बे के थे तो उदयपुर साइड जा रहे हैं, तो मिले थे यहाँ पे। तो चलो अभी जाते हैं हम। तो भाई लोग अभी हम ये असपुर बस स्टॉप पे खड़े हैं। ये रहा डिपो, जो कुछ इस प्रकार से है असपुर पे। तो भाई लोग अभी हम पहुंच चुके हैं असपुर से, मतलब आगे जो मेन रोड से सोम कमला डैम के लिए जो रोड जाता है वहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई लोग को ये वाला रोड सीधा डूंगरपुर जाता है, और ये जो है वो असपुर से आता है। और वो गोविंद पानी पीने के लिए दुकान पे गया है बोरा। और अभी हम यहाँ पे खड़े और सोम कमला डैम साइड है, तो हम अभी जाएंगे और स्कूटी यहाँ पे लेके खड़े हम। ये पानी जा रहा है नहर, जो कि सोम कमला डैम से ही आ रहा है। और ये व्यू मेरे को देख के ऐसा लग रहा है, मतलब जैसे अपन वो कड़ेना डैम जाते हैं, सेम व्यू लगता है मेरे को, क्योंकि ऐसे ही रोड आता है और ऐसे घूम के जाते हैं कड़ेना डैम पे। और ये भी सेम ऐसा ही है। तो जाते हैं अंदर, और अंदर जाके फिर मैं डैम का व्यू भी आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे ये शायद मैं चौथी या पाँचवीं बार आ रहा हूँ सोम कमला डैम पे, लेकिन फिर भी आए तो ब्लॉग करने के लिए आए हैं, और कोई काम नहीं है आज। अगले वाले ब्लॉग जो बांसवाड़ा गए थे उसमें तो काम से गए थे, लेकिन अभी आए इसमें कोई काम नहीं है। और गाड़ियाँ जा रही है, मेन रोड है, तो आवाज़ की थोड़ी दिक्कत है। गोविंद, मुझे भी पानी, कई लोग प्यास तो मुझे भी लगी है, मुझे भी पानी पीना है, तो मैं भी पानी पी के आता हूँ। ये देख रहे हो गोविंद तो आ चुका है पानी पी के, अब मैं जा रहा हूँ पानी पीने। तो भाई लोग अंदर जाने के लिए कुछ इस प्रकार से रोड है, जो कि सोम कमला डैम के लिए जाता है। और साइड साइड ये रुक रुक, ये पानी कुछ इस प्रकार से आ रहा है और थोड़ा खतरनाक भी लगता है, मुझे डर भी लगता है क्योंकि तैरना नहीं आता, इसलिए ये पानी
इस साइड तो जा रहा है ये पता है, लेकिन इन दोनों में से कौन सी साइड से आ रहा है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मिक्स हो रहा है शायद। और मेरे को तो पानी की ये बाह देख के डर लगता है, क्योंकि आगे जाते पहले तो हम नीचे जाएंगे, इसके बाद ऊपर जाएंगे। और यहाँ नीचे से कुछ इस प्रकार का सीन है, बहुत बड़ा है देखने में। हाँ ऊपर तो बहुत काम चल रहा है, मतलब इस पर शायद ऊपर जाने मिले या ना जाने मिले का कोई ठिकाना नहीं है। मैं तो वहाँ तक गया हूँ, पहले आया हूँ तो वो जो सामने दिख रहा है ना वहाँ तक गया हूँ, और नीचे भी आया हूँ वहाँ से उस साइड से। लेकिन तो भाई लोग ये रहा सोम कमलाबा डैम। मैं कभी से मतलब कडेना कर रहा हूँ, ये कडेना नहीं है, सोम कमला डैम है। तो भाई लोग देख रहे हो ये रहा सोम कमलाबा डैम जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। और तो गेट बंद है क्योंकि पानी नहीं है, अभी कहाँ पानी होगा क्योंकि अभी तो सर्दी का टाइम है। ये रहा गोविंद, अभी जाते हैं हम नीचे। फिर वहाँ ऊपर भी जाएंगे, लेकिन एक बार यहाँ नीचे जाके आपको नीचे का सीन बताते हैं। और वो सामने जो दिख रहा है ना वहाँ तक मैं गया हूँ पहले, अभी नहीं, दो साल पहले गया वहाँ। और अभी तो कुछ इस प्रकार से सीन है, देख रहे हो आप, जाते हैं अभी वहाँ पे। और आज हम गोविंद दोनों आए, बहुत बढ़िया नजारा देख रहे हो। इसमें गेट कितने, मैं वो आपको गिनाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 गेट हैं देखो। पास में ही आसपुर में ये लगभग सब आए होंगे, वो भी जाते हैं हम ऊपर वहाँ से। मैं पहले आया था तब वहाँ से, वहाँ जाके वो सामने सीढ़ियाँ दिख रही है आपको, वहाँ से वो वहाँ तक मैं आया हूँ। और आगे भी मतलब पहाड़ जैसा है, जैसे वो करना डैम है वैसे ही, लेकिन यहाँ पहाड़ इतना ज़्यादा नहीं है, छोटा है। तो भाई लोग देख रहे हो ये पीछे सोम कमलाबा डैम का कुछ इस प्रकार से नज़ारा है, और मैंने आपको बता दिया। और अभी जाते हैं हम ऊपर, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए। नीचे इंस्टाग्राम आईडी मेरी दिख रही होगी, और डिस्क्रिप्शन में भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक पड़ी है, जाके फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। अभी जाते हैं ऊपर, ऊपर काम चल रहा है, जाने मिले या नहीं जाने मिले, जाने मिले तो ऊपर का व्यू दिखाएंगे। गोविंद आ रहा है अभी, फिर जाते हैं हम ऊपर। तो भाई लोग ऊपर जाने का रास्ता ये रहा कुछ इस प्रकार से है, और ऊपर का नज़ारा ऐसा है दिख रहा है आपको। और अभी जाते हैं हम ऊपर, और पानी का नज़ारा देख रहे हो, देखो भाई मतलब बहुत खतरनाक तरीके से पानी गिर रहा है, मतलब सीढ़ियों की तरह नाली। इससे क्या है कि स्पीड बढ़ रही है, और ढलाने तो खास नहीं होगा पानी ऊपर के साइड। ऊपर जाने का देखते, ऊपर जाके पूछेंगे एक बार यहाँ हम जा सकते या नहीं जा सकते, अगर जा सकते यो बोला तो जाएंगे, वरना नहीं जाए भाई तो फिर तो वापिस। तो देख रहे हो यहाँ पूरा मतलब काम चल रहा है। तो भाई लोग देख रहे हो गोविंद आ रहा है स्कूटी पार्क करके, और जा रहे हैं हम आगे, काम चल रहा है। यहाँ से मैं पीछे का व्यू बता रहा हूँ, देख रहे हो। और हम यहाँ तक ही जा सकते हैं, यहाँ से आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे काम चल रहा है।
तो भाई लोग ये रहा कौन कम लाम आने आज पानी कम है ये डैम इतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी छोटा भी नहीं है। मैं सोन कम वो कडेना डैम से कंपेयर कर रही है वो छोटा है वैसे बहुत लेकिन फिर भी नहीं। अगर वहाँ तक जाने मिलता हमें तो हम पूरा आगे से व्यू बताते लेकिन हम जा नहीं सकते बस यहाँ तक ही आ पा रहे हैं क्योंकि आगे काम चल रहा है इसलिए आगे जाने के लिए मना बोला। तो भाई लोगों मैंने आपको यहाँ का व्यू तो मैंने आपको बता दिया अब आपकी बारी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो और अभी मैं गोविंद का फोटो खींच रहा हूँ। तो भाई लोगों मैंने यहाँ से मैंने आपको पूरा टोटल व्यू बता दिया और वहाँ आगे तो हम जा सकते नहीं थे और फिर भी हमने इन अंकल जी से पूछ के अंदर गए देख लो यहाँ पे बैठे और अंदर जा नहीं सकते इसलिए हमने आगे का व्यू नहीं बताया यहाँ तक ही बताया। तो भाई लोगों अब हम यहाँ से निकल चुके हैं सोम कमला डैम से गोविंद स्कूटी लेके आ रहा पीछे और मैं आगे आके ये बाहर का व्यू बता रहा हूँ आपको। देख रहे हो बाहर का भी कुछ इस प्रकार से है और अभी तो अंदर पानी है नहीं डैम में ज़्यादा इसलिए कुछ मतलब देखने लायक नहीं है लेकिन नीचे से फिर भी खतरनाक लगता है और काम भी चल रहा है तो काम एक बार कंप्लीट हो जाए इसके बाद में फिर आएंगे कभी आने मिला तो। और देख रहे हो ये टोटल काम चल रहा है। तो भाई लोग मेरा ब्लॉग अब मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ओके बाय फ्रेंड्स अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में।